और आग लगेगी आपकी में। लेकिन मैं बिग बॉस को थैंक यू बोलना चाहूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बाबू भैया का जोकर भैया बना दिया। इधर आ बाबू भैया, तेरे को ट्रॉफी देता हूँ। अब सड़कों पे वाले तो रेजी दीप ने रिएक्ट किया है द यूसेज 07 राइडर की डिस्ट्रैक्ट वीडियो पे, और रेजी दीप ने द यूसेज 07 राइडर को रोस्ट भी कर दिया, और रेजी दीप द यूसेज 07 राइडर को डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। आप लोग खुद ही सुन लीजिए। अगर इस वीडियो पे 40,000 लाइक होते तो मैं बाबू भैया के ऊपर डिस्ट्रैक्ट बना दूंगा। आर्मी, जो मेरी जनता है, तुम लोगों का स्वागत है, और जो बाबू भैया की आज ऑडियंस हमें देख रही है, मैं तुम्हें बता दूं कि ये रोस्ट और रिएक्शन वीडियो है उनके डिस्ट्रैक्ट पे। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, जो लाइंस उन्होंने डिस्ट्रैक्ट के अंदर लिखी है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि वो कितनी सही और लेजिट। Obligations, रोज लगा दो कल्ले, क्या पूरी फोर्स लगा दो, नाम से जलता चूल्हा तेरा, टाइटल में एक्सपोज लगा दो। एकदम सही बात है भैया, मेरे घर का सिलेंडर खत्म हो गया और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और कमाल की बात तो ये बाबू भैया कि मैं चूल्हा यहाँ पे जलाऊंगा और आग लगेगी आपकी में। बोले बाबा की कृपा है। लेकिन मैं बिग बॉस को थैंक यू बोलना चाहूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बाबू भैया का जोकर भैया बना दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक सेक्युलर हिंदू को एक कट्टर हिंदू बना दिया। ग्रंथों और वेदों में साफ लिखा है कि राम पे बात और लक्ष्मण को आना है। तो यार हम लोग ना ऑक्टोपस खाने से पहले स्मूदी पी रहे हैं। राम पे बात, शर्म करो, भगवान से डरो। और अगर इतनी ही चोड़ है आपकी तो फिर ट्रॉफी क्यों नहीं लाए? ट्रॉफी लेके तो बाहर आनी। जो एक राइड होने वाली है ना आसाम, गुवाहाटी, इन सब जगहों पे, वो एक भैया के बिना होगी, और एक ट्रॉफी लाने के बाद भैया बाबू भैया और घर वालों ने सपने तो देखे थे ट्रॉफी के, लेकिन अनुराग अभी इसी वक्त मोहल्ले से बेघर। इधर आ बाबू भैया, तेरे को ट्रॉफी देता हूँ।